रजनी राणा के खिलाफ पास हुए अविश्वास प्रस्ताव के चलते आज कलायत नगर पालिका वार्ड नंबर 11 से उप प्रधान पूजा धीमान को नई चेयरपर्सन बनाया गया है। अब कलायत नगर पालिका के चेयरपर्सन की कमान पूर्व उप प्रधान पूजा धीमान ने संभाल ली है। वहीं कलायत बीजेपी मंडल के अध्यक्ष महिपाल राणा ने नव नियुक्त चेयरपर्सन को आशीर्वाद देकर कमान सौंप दी है। कुर्सी ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूजा धीमान ने बताया कि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आशीर्वाद से कलायत शहर के 13 वार्डों में संपूर्ण विकास कार्य करवाए जाएंगे। किसी भी वार्ड के साथ अनदेखी नहीं की जाएगी और उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास एक समान होगा। पूजा धीमान ने बताया कि कलायत शहर के सीवरेज की समस्या को लेकर जल्द ही सभी पार्षदों के साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस समय को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इससे पूर्व शहर के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने नगरपालिका कलायत में पहुंचकर पूजा धीमान को आशीर्वाद दिया। वहीं पद ग्रहण करने से पहले पूजा धीमान ने पहले श्री कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधान पद का ग्रहण किया। इसका श्री आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय मैं अपने सभी पार्षदों का भी देना चाहूंगी। ये सब एक दूसरे के सहयोग से ये तो श्रीमती कमलेश ढांडा जी का कितना आप श्रेय मांगे उसमें? देखिए, ये तो उनका आशीर्वाद है, तो सभी बड़ों का आशीर्वाद है हमारे साथ जो हम उनकी और पूरा फोकस किया जाएगा और हम सभी पार्षद साथी सब मिलकर अपने विकास शहर के विकास की ओर पूर्ण रूप से ध्यान देंगे और 13 के 13 वार्डों में समान विकास किया जाएगा। प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता हमारी यही है कि हमें विकास की ओर फोकस करना है। दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यही चाहेंगे कि नगर पालिका पूरे कलायत का विकास हो। धन्यवाद। तो आपका किस प्रकार से पार्टी का सहयोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज हमारी जो चेयरपर्सन आज हमने इनको ये जिम्मेवारी दी है, इनसे उम्मीद करते हैं कि आगे कलायत का समान विकास करवाएंगे। सभी 13 के 13 साथियों को साथ लेके समान विकास होगा और पार्टी की तरफ से जैसे भी आदेश होंगे हमेशा पार्टी का आशीर्वाद कलायत के ऊपर रहा है और आगे भी रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ नहीं आने दी जाएगी। आपने पूजा धीमान को कुर्सी तक पहुंचाने में बहुत संघर्ष किया है, तो आगे के क्या क्या कार्य प्राथमिकता के तौर पर किए जाएंगे कलायत के? देखिए सर, मैंने नहीं, जो मेरे सभी 900 पार्षद साथी हैं सभी ने बहुत संघर्ष किया है, खास करके जो मेरे सबसे युवा पार्षद हमारी कलायत जब से नगर पालिका बनी है आज तक के सबसे युवा पार्षद है कर्णदीप दैया जी वार्ड नंबर 1 से। इनका संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और सभी 9 के 9 जो हमारे साथी सभी ने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। ये रहा हमारे लिए इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इन सभी साथियों की बदौलत हम यहां तक आज पहुंचे हैं कि हमने पूजा धीमान को कार्यकारी अध्यक्ष आज नियुक्त किया है। तो आगे जो शहर के विकास कार्य है हमारे लिए किसी से कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभी गांव हमारा है, शहर हमारा है, सभी 13 के 13 वार्ड हमारे हैं। जिस भी वार्ड की कोई भी समस्या आएगी तत्काल प्रभाव से उस पर काम किया जाएगा। और रही विकास की बात, जो विकास चला हुआ है उसको 4 गुना रफ्तार से कल से हम उसको 4 गुना रफ्तार से और उस विकास कार्यों को करवाएंगे और जो भी विकास कार्य पेंडिंग रहते हैं माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के आशीर्वाद से, हमारे बड़े भाई महिपाल मंडल अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से और हम ही सब गांव की जनता के आशीर्वाद से और हमारे पार्षद साथियों के सहयोग से उन कामों को जल्द से जल्द पूरा करने का कार्य करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।